तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? पाए हो आप लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज के मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा पैड संथाली बीट मेकिंग के बारे में। तो पैड संथाली बीट मेकिंग, अच्छा तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आते हैं बीट मेकिंग में, पैड संथाली में? तो पहला आता है इंट्रो पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैन पैटर्न, उसके बाद आते हैं ब्रेक पैटर्न। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा इंट्रो पैटर्न कैसे बनाते हैं, वो चीज़ के बारे में, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को फुल्ली देखो, ठीक है, स्किप ना कर, नहीं तो जब उसका जो पोजीशन है प्लस बीट मेकिंग कहाँ कहाँ पर मैं बिठा रहा हूँ, कौन सा बात मैं कह रहा हूँ, उसको सुनना होगा। उसके बाद ही तुम लोग प्रैक्टिस करो। और सिंपल पैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो टोटली सिंपल पैक का लिंक मिल जाएगा। और टोटली मतलब कि देखो वीडियोस में जितना सारे भी यूज़ हुआ है, ठीक है, तो टोटली मिल जाएगा। मतलब कि मैं इस बीट को बनाने में कौन कौन सा सैंपल लगे, ठीक है, तो वो सिंपल पैक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो एंड भेजो, मैं देखना चाहूँगा तो प्रैक्टिस करो कि नहीं। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मेरा अफिलिएट मोबाइल पर पहुंच चुका हूं एंड यहां पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो न्यू बीट प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना होगा। तो यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन है, वहाँ पे प्रेस करना होगा। ओके, तो न्यू पर मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद एम टी जैसे कि लिखा आएगा वहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखना है, तो टेम्पो मतलब क्या होता है, बीपीएम। तो बीपीएम आप लोग यहाँ पे जितना भी रख सकते हो, आप लोगों मर्जी, आप लोग बढ़ा भी सकते हो, कमा भी सकते हो, ठीक है। एंड टाइम सिग्नेचर इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, ये जो 4/4 है ना, इसको नहीं छेड़छाड़ करना है। और टाइम डिविजन 4 स्टेप या 4 बीट्स, ठीक है, इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, वो जो भी है वैसा ही रहने देते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो मेक कर दूंगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस टाइप का आएगा इंटरफेस एंड यहाँ पे जैसे कि है, तो प्लस आइकन मतलब कि यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है प्लस आइकन। ओके, कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए, तो कौन कौन सा चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ड्राम्स, इंस्ट्रूमेंट, वीडियो क्लिप, मतलब कि यहाँ से जिस टाइप का पियानो रोल बोलो या पियानो मेक करना चाहते हो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा, तो ड्राम्स मतलब ड्राम सिक्वेंसर, पहले था ड्राम सिक्वेंसर। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट करने के बाद ये ड्राम्स, सिर्फ ड्राम्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्राम सिक्वेंसर मतलब कि ड्राम्स होता है, तो मैं इसको ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्लस और भी यहाँ पे क्रॉस करना है। क्यों यहाँ पे क्रॉस करना है, तो देखो यहाँ पे ये है एड स्टेप ट्रैक में हमारा जो बीट का जो कलर है उसको हम लोग ठीक ठाक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए। तो देखो यहाँ पे, तो देखो ये जो कलर है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये बॉक्स में जा रहा है, इस जो बॉक्स है इस बॉक्स में जा रहा है और इस बॉक्स में। तो और एक बात यहाँ पे देखो, इसका जो मिडिल में एक देखो छोटा सा दाग, छोटा सा एक दाग दिखा रहा है इस वाले जगह पर। तो ये जो कलर है मतलब ये कलर, तो इसको उसके बीच में नहीं ले जा पा रहे हैं, मतलब कि उसका मिडिल में ये जो कलर है यहाँ पे नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को एड नोटिस ट्रैक में बीट मेक करना है, कम बीपीएम में एड नोटिस ट्रैक में बीट मेक करना है। ओके, डबल बीपीएम 300-400 बीपीएम में एड स्टेप एसी ट्रैक ठीक ठाक है। ओके, तो चलो हम पहले इसको जैसे कि एड नोटिस ट्रैक में कन्वर्ट करेंगे। तो करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस वाले जगह पर प्रेस करके रखना, बहुत देर छोड़ देना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस निकलेगा। उसके बाद देखो एड नोटिस ट्रैक यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसका नीचे मतलब कि डाउन पे एक ट्रैक ओपन हो करके निकलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक ट्रैक निकला है। तो एडिट पे जा करके यहाँ पे देखो मैग्नेट आइकन मतलब कि चुंबक आइकन है एंड नेक्स्ट का जैसे कि है मैग्नेट आइकन नहीं है, इसलिए ये एड स्टेप एसीक्यू ट्रैक है। ओके, और ये जो है हमारा ये है एड नोटिस ट्रैक। तो देखो इसका जो बीच का जो लाइन है, तो यहाँ पे देखो एक लाइन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो एक लाइन है ना, तो इस लाइन के
इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक ठाक से इसको हम लोग जूम आउट जूम इन प्लस और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो ये जो छोटा सा दाग दिख रहा है इसका मिडिल में भी हम लोग ला सकते हैं। तो ये है एड नोटिस ट्रैक का कमांड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एड नहीं और भी बहुत ज्यादा सिंपल ऐड करेंगे। तो कौन कौन सा सिंपल ऐड करेंगे, तो चलो तो यहाँ पे आप लोगों को एड स्टेप एससीक्यू ट्रैक हटाना है। तो ये है एड नोटिस ट्रैक, मतलब कि किस लिए हटाना है, ऊपर का ट्रैक हमारा कुछ भी यहाँ पे काम भी नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो हटाने के लिए यहाँ पे प्रेस करना होगा। ओके, उसके बाद डिलीट ट्रैक पे प्रेस करना है। तो ट्रैक डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैंपल पैक ऐड करेंगे। किस टाइप का सैंपल पैक एंड कहाँ कहाँ पर बिठाएंगे वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो आप लोग को ध्यान से सुनना है, प्लस मैं धीरे से बताऊंगा, ठीक है, स्लोली, और आप लोग भी समझना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडिट पे जाना होगा, यहाँ प्रेस करना होगा, एक बार एडिट पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एम्प्टी ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेस करके रखना है बहुत देर तक। लोड सिंपल पे जाना है, माई फाइल्स, एंड मैं यहाँ पे सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सिंपल पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आप लोग वो सिंपल यहाँ पे जैसे कि ऐड करो, मतलब कि प्रैक्टिस करो ऐड करके। ओके, मैं लिंक दे दूंगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। ओके, तो मैं सिंपल को ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट और भी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो और भी किस टाइप का सिंपल ऐड करना होगा, तो नेक्स्ट जैसे कि है, तो और एक और भी है बहुत ज्यादा, तो इस रिलेटेड का ही हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। अच्छा, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो इस वाले जगह पर, तो इस पर लैंड स्पीड का यूज कर लो, ये भी नहीं। ओके, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, ये जो है रोलांड एसपीडी 20, ठीक है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट और भी यहाँ पे सैंपल ऐड करूंगा, तो 3 या 4 सैंपल यहाँ पे ऐड करूंगा। किस लिए मैं ऐड करूंगा, तो एक ये 4 सैंपल जब मैं ऐड कर दूंगा ना, इसका पेशार जैसे कि है बहुत अच्छा सुनाई लगता है, मतलब कि सुनाई देता है पेशार बहुत अच्छा से, ठीक है। और दूसरे रिलेटेड देखो इसका आवाज सुनो, इसका आवाज सुनो, थोड़ा सा चेंजेस है। और भी मैं ऐड करूंगा, उसका आवाज भी थोड़ा सा चेंजेस होगा। ओके, या ज्यादा चेंजेस होगा। तो देखो पार्कोशियन में अभी फिलहाल ऐड करूंगा, घुंगरू टाइप का ही। ओके, अच्छा सोनपोल पोल कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर ले रहा हूँ, पार्कोशियन कहाँ गया है, अच्छा इसको मैं ऐड कर लिया। इसका आवाज सुनो, पहले चेंजेस है। और भी और एक सैंपल वहां पर भी है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये इसको, तो इसका यूज कर किस टाइप का मैं यूज करूंगा, यूज करने का तरीका किस टाइप का है। तो देखो यहाँ पे प्रेस कर करना है, जो झंकार लिखा है इस वाले जगह पर प्रेस कर करना है, छोड़ देना है। उसके बाद फिल इच 4 स्टेप यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। तो देखो मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, इस टाइप से सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे प्रेस करके इधर लाना है। ओके, ये छोटा हो चुका है। उसके बाद इसको ही कॉपी करना है। तो ये हमारा 4 स्टेप में 4 स्टेप है। ओके, एंड हम लोग को 8 स्टेप करना होगा। तो 8 स्टेप स्टार्टिंग बीट मेक करना होगा। तो किस टाइप का बीट, तो आप लोगों को मैं सुना दे रहा हूं। तो किस टाइप का बीट, तो इस टाइप का हमारा जैसे कि बीट है। ओके, तो इस बीट पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले जैसे कि ये इंट्रो बीट है, मतलब कि सॉन्ग का स्टार्टिंग से जो बीट बजता है पैटर्न, तो ये इस टाइप का है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग इसको 8 स्टेप में कर देते हैं। इसको कॉपी करना है किस टाइप से, यहाँ पे प्रेस करके इधर लाना है, कॉपी ऑप्शन पे प्रेस करना, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। किस लिए यहाँ पे पेस्ट करना है, इसका यहाँ पे गैप देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 गैप है, मतलब कि 3 घर या 3 खोप भी कह सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे भी देखो 3 बॉक्स गैप है। तो यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना है, तब भी हमारा 8 स्टेप होगा। देखो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ध्यान से फॉलो करो, कौन सा चीज, तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, इसलिए तो यहाँ पे और भी यहाँ पे बिठेगा इस 3 पर, एंड यहाँ पे जितना भी आप लोग इसको ले जाओगे, ठीक है, तो उतना ही आप लोग का जैसे कि पैटर्न प्लस चेंजेस चेंजेस होते जाएंगे।
ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जैसे कि मैं बताऊंगा और नेक्स्ट इस वाले चीज को सेम प्रोसेस इसको ही कॉपी करो एंड पेस्ट करते जाओ। ओके तो इस ओ सॉरी इस वाले जगह पर पेस्ट करना होगा, इसको भी इस वाले जगह पर पेस्ट कर देना होगा। ओके कंप्लीट। तो इसका आवाज हम लोग पहले सुन लेते हैं किस टाइप का लग रहा है। अच्छा एक का आवाज सुन लेते हैं, एक का आवाज किस टाइप का लग रहा है। यह है सिर्फ एक ही ऑप रहेगा, ठीक है। तो हमारा जैसे कि इस टाइप का आवाज निकल रहा है, नेक्स्ट जैसे कि हम लोग और भी यहाँ पे सैंपल ऐड करेंगे तो किस टाइप का इसका बोले हमको आप लोगों को डाउन करना चाहिए तो मास्टरिंग के टाइम। तो मास्टरिंग आप लोग किस टाइप का यहाँ पे यूज करते होंगे आप लोगों को ही पता है, नैड में जिस टाइप का करता हूँ मेरे को पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को और भी सिंपल ऐड करके बताऊंगा इंट्रो पैटर्न का, और भी किस टाइप का यहाँ पे ढोल लगता है संताली का जैसे कि मादोल कहता है तो वो लगता है। तो चलो मैं पहले उसको ऐड कर लेता हूँ प्लस पे क्लिक करके, तो पैड संताली फोल्डर में है मेरा। अच्छा यहाँ पे है, अच्छा इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो ये वाला चीज को, ठीक है। तो मैं ये तीनों सैंपल का लिंक दे दूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पे, तो प्रैक्टिस करो। तो देखो इस सैंपल को बिठाने का तरीका किस टाइप का है, और भी इस रिलेटेड सैंपल हम लोग को ऐड करना चाहिए। तो देखो तो अभी फिलहाल मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला को आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप का फॉर्मूला है, प्लस पे क्लिक करना है, बाहर पे प्रेस कर देना है। तो फॉर्मूला को फॉलो करो, यहाँ पे पहले घर पे इसको बिठा देना है, उसके बाद जूम करना है, यहाँ पे बिठाना होगा इस गैप पर, इसको छोटा करना होगा, छोटा करने के बाद यहाँ पे लाना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज फॉलो करो, इस लाइन के मिडिल में देखो यहाँ से इधर तक, ओके सेम लेंथ है, ओके एंड यहाँ से इधर तक सेम लेंथ है, इसका जो मतलब कि साइज है सेम है, ये पूरा ये जो कलर है मिडिल में रखना होगा। ओके उसके बाद इस चीज को ही कॉपी करो टच करके, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है सेम गप पर रखना होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा और इधर पेस्ट करते जाना है। ये है फॉर्मूला का टॉपिक, ओके इस फॉर्मूला से मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड आप लोग भी अच्छा से जैसे कि समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और भी ये जो चीज है इसको मैं किस टाइप से यूज करता हूँ, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके जूम हो चुका है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे ध्यान से फॉलो करना, मैं काउंट करूंगा प्लस आप लोग को भी यहाँ पे खाते या नोटपैड पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले पर मैं इसको बिठा दे रहा हूँ, तो इसका जो छोटा है तो ये छोटा ही रहने पर ही सेम आवाज निकलेगा एंड इस टाइप का करने पर भी सेम आवाज निकलेगा। आप लोगों मर्जी, आप लोग की किस टाइप का यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ओके मैं इस टाइप का कर देता हूँ, इस साइज के बराबर में एंड इस साइज के बराबर में, तो मेरे को देखने को अच्छा लगेगा, डिजाइन भी अच्छा लगेगा इसलिए। ओके पहले पर मैंने बिठा दी, उसके बाद कहाँ पे बिठेगा एंड यहाँ पे बिठा देता हूँ यहाँ पे। ओके मैं सुन सुन करके बिठा रहा हूँ, आप लोगों को मैं नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, ठीक है। सुन सुन करके यहाँ पे हुआ है एंड यहाँ पे आप लोग इसका जो आवाज आप लोग भी जैसे कि सुने हो तो किस टाइप का लगता है, एंड यहाँ पे होगा इस वाले जगह पर मेरे को लगता है। तो नेक्स्ट मैं इसको बिठा करके देखता हूँ तो आवाज किस टाइप का लग रहा है। ओके एंड यहाँ पे कर देता हूँ, मेरा जैसे कि ये प्रैक्टिस है, ओके है ना, तो इसलिए मैं इधर उधर बिठा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस है मेरा जैसे कि याद है एंड यहाँ पे होगा, तो इतना दूर तक हम लोग सुन लेते हैं तो किस टाइप का लगता है। ओके और नेक्स्ट हम लोग बिठाएंगे तो सुनते हैं। ओके हो चुका है, मतलब कि एंड यहाँ पे होगा, किस लिए यहाँ पे होगा, तो सुनो इसका आवाज आप लोग, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्यों होगा, तो इसका आवाज सुनो किस टाइप का लगता है।
कंप्लीट। इसका जो धुन है प्लस म्यूजिक है, जो संताली ढोल का या मादोल का। तो कहाँ कहाँ पर बिठा है मैं आप लोगों को काउंट करके बता दे रहा हूँ, तो सुनो ध्यान से। प्लस इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा स्क्रीनशॉट कर लो, तो देखो इसको काउंट करो। एक है ये, एक एक पर बिठा है, दो तीन चार पांच पर बिठा है, ओके 6 7 8 9 पर बिठा है, 10 11 पर बिठा है, ओके 12 13 पर बिठा है, 14 15 16 17 17 पर हुआ है, 18 19 19 पर हुआ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो या खाते पे लिख लो, ओके। तो नेक्स्ट, जैसे कि और भी यहाँ पे कौन कौन सा सैंपल ऐड होगा इस रिलेटेड में, इसका भी आवाज हम लोगों को प्रसार करना है और भी अच्छा सुनने के लिए करना है। तो आप लोग एक भी यूज करोगे तो ठीक ठाक ही आवाज निकलेगा, और भी चीज ऐड करोगे तो इस टाइप का लगेगा। तो देखो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक को ही रख लेता हूँ, तो देखो इसका आवाज किस टाइप का लगता है, उसके बाद बताना। इस टाइप का एंड इसको मैं ठीक है। तो और भी इस रिलेटेड सैंपल में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं किस टाइप से इस बीट को कंप्लीट किया हूँ या मेक किया हूँ तो मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट। और तो देखो नेक्स्ट मैं रोलांड जैसे कि सैंपल लूंगा, तो कहाँ पर है जी के मनो पी क्यू आर, ये है ठीक है। तो यहाँ पर है मेरा, तो इस वाले जगह पर, तो कौन सा चीज है, अच्छा इसको मैं ले लेता हूँ 4 को। तो सेम प्रोसेस, इसको ही कॉपी करो इस टाइप करके एंड यहाँ पे पेस्ट करते जाओ। कॉपी करने का तरीका देखो, हाथों में टच करना है, उसके बाद स्लाइड करते ले जाना है इस टाइप का या इस टाइप का, ओके। तो इस टाइप का कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट, बहुत देर तक टच करके रखना, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे क्लिक कर देना, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे और कौन सा सिंपल है, प्लस माई फाइल कहाँ पर है, कहाँ पर, अच्छा इस पर मैं देख लेता हूँ है कि नहीं। अच्छा मैं इसको यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ किस टाइप का लगता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, पहले से ही कॉपी था मेरा ठीक है। तो देखो तो हो चुका है नेक्स्ट, और इसको सुनते हैं किस टाइप का लगता है। अच्छा यहाँ पे सनार बिठाना चाहिए, तो अच्छा जैसे कि इसका आवाज अच्छा लगे, ओके। तो मैं सनार को भी ऐड कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करके एंड संतले पर है मेरा जो सनार है, ओके। तो मैं ढूंढ ले रहा हूँ, यहाँ पर है, अच्छा कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अच्छा ये है, ओके ये चीज है। तो इसको कहाँ पर बिठाना होगा, यहाँ पर बिठाना होगा इस वाले जगह पर, मतलब कि लास्ट में। तो सुनो इसका आवाज सुनो किस टाइप का लग रहा है, इस वाले जगह पर यहाँ पे इसका आवाज बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो मैं इसको कमा दे रहा हूँ एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लेता हूँ, ठीक ठाक ही है। सिंपल का स्टार्टिंग पॉइंट मैं देख लेता हूँ, टोटली का ठीक ठाक है कि नहीं, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, ये ठीक ठाक है, ओके कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, ये भी ठीक है, इस यहाँ पे तो सिंपल ही नहीं, इसका भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन इसका जैसे कि इसको मैं चेंजेस आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पे पिच पर जाकर के चेंजेस कर सकते हो, तो सुनो किस टाइप लगता है। ओके इसका आवाज आप लोग और भी जैसे कि छोटा करना चाहते थे तो सुनो, स्ट्रेच को कमाओ, तो किस टाइप का लगता है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ओके इस टाइप का आवाज, तो मैं इस टाइप का ही रख लेता हूँ एंड उसके बाद मैं वॉल्यूम को जैसे कि अप डाउन करूंगा मास्टरिंग के टाइम पर। मास्टरिंग मतलब कि लास्ट में मैं मास्टरिंग करता हूँ, तो टोटली कंप्लीट होने के बाद, ओके।
तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का बीट। और भी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में किस टाइप का लगता है तो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है एडियो क्लिप पे। यहाँ पे एक वाइब्रेशन बेस लेना है। ओके, तो वाइब्रेशन बेस कहाँ पर मिलेगा, मेरा कहाँ पर है? अच्छा मैं, हाँ याद आया, उसको मैं यूज करूँगा। कौन सा चीज़, कौन सा चीज़, कस्मोर ईएमजी चार्जर के। अच्छा ये है कस्टमर सेट एंड साउंड। तो ड्रॉप्स कहाँ गए सब, हाँ यहाँ पर है, इसको मैं यूज करूंगा। ओके सुन लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे यूज करने के लिए इसका आवाज तो मेरे को दूसरे टाइप का लग रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैं इस पर एक ट्रैक ऐड करूंगा, मल्टी ट्रैक, मतलब इसका ही होगा। ओके ऑक्स करके, तो देखो ट्रैक पर प्रेस करना है, इस वाले ट्रैक पर, मतलब इसका मैं एक और भी एक चैनल लाऊंगा। तो देखो इसका आउटपुट जैसे कि मास्टर चैनल पर है, मतलब ये जो चैनल है मास्टर चैनल है। तो देखो नाम भी लिखा है मास्टर, एंड यहाँ पे भी लिखा है मास्टर चैनल। तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आउटपुट और भी एक दूसरे ट्रैक पर ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्रेस करना होगा, इस वाले जगह पर प्रेस करना होगा, मास्टर पर प्रेस करना होगा। देखो क्रिएट एफेक्ट चैनल, मतलब कि इसके ऊपर एक चैनल क्रिएट हो चुका है। ओके तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक लेयर ऐड करेंगे डबल क्लिक करके। ओके यहाँ पे इतना दूर तक लाना होगा हमारा, इतना दूर तक, जैसे कि एक पैटर्न है शुरू हो रहा है 8 स्टेप, इतना दूर तक खत्म हो रहा है 8 स्टेप में। ओके तो इसलिए इतना ही रख लेते हैं। तो उसके बाद सुन लेते हैं तो किस टाइप का लगता है। तो सुनो, ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसको, इसका जो वॉल्यूम है डाउन करेंगे, प्रेस करना होगा एंड यहाँ पे करना होगा। देखता हूँ यहाँ पे ये ग्राफ कितना दूर तक आ रहा है, तो हमारा ग्राफ इतना दूर तक ले जाना है, तो इसको बड़ा दे रहा हूँ। उसके बाद एडिट पे जाना होगा एंड इतना दूर तक लाना होगा। यहाँ का कलर देखो एंड यहाँ का कलर देखो, यह 8 स्टेप का कलर, यह 8 स्टेप बाद का कलर, मतलब कि यहाँ पर इस वाले जगह पर। ओके तो हम लोग यहाँ पे अंत तो देखते हैं। तो देखो हुआ है ना सेम चीज, देखो एक चीज देखो यहाँ का, जैसे कि एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है। ओके तो इसलिए ये है हमारा 8 स्टेप का टाइमिंग। ओके यहाँ पे भी 8 स्टेप पहचानने का और भी एक तरीका है, किस टाइप का, तो यहाँ से इतना दूर तक 4 स्टेप, यहाँ से इतना दूर तक 8 स्टेप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और भी नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसका आवाज को पहले मैं सुन लेता हूँ किस टाइप का लग रहा है। इतना दूर तक वाइब्रेशन लाने के लिए आप लोग को और भी बहुत ज्यादा करना होगा, इसलिए इसका डाउन यहाँ पे, इधर यहाँ से इसका वॉल्यूम डाउन हो जा रहा है ना, तो इसलिए आप लोग को यहाँ से आप लोग का वॉल्यूम को अप करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है, मतलब इस टाइप करना है एंड इस टाइप का करते जाना है, इसका वॉल्यूम को आप लोग को अप करना है। तो ओके नहीं तो इस टाइप का ही रहने देते हैं। अच्छा मैं इसको हाथों से जूम करके ठीक कर लेता हूँ तुरंत ही। ओके इस टाइप का, तो सुनो इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस सुनाई जैसे कि देगा। ओके ओके एंड यहाँ से इसको ठीक करना होगा, तो इसको जूम करो, उसके बाद इस लाइन पे यहाँ पे खत्म करना होगा। ओके तो हो चुका है खत्म, एंड उसके बाद मैं इसको इधर इतना तक लाऊंगा, इसको इतना तक, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो मेरा जैसे कि ये फ्रेंड्स ये हो चुका है इंट्रो सॉन्ग का पैटर्न। ओके तो नेक्स्ट मेन बीट पर हम लोग जैसे कि जाएंगे, तो मेन बीट किस टाइप का स्टार्ट होगा तो चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने चाहूँगा तो इसका पार्ट 1, ठीक है, तो उसको मैं अपलोड करूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। उस वीडियो में है मेन पैटर्न और ब्रेक पैटर्न, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं।